जिस दिन मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, इतनी नाराजगी है कि उसी दिन सरकार जाएगी। ये जेडीयू की क्या मानसिकता है, ये सत्ता की मलाई जितना खाना था खा लिया। जनता अब तैयार है, अब तेजस्वी सरकार का इंतजार है। तो ये जो लोग कह रहे हैं, इनके पास तो न कार्यकर्ता है और न साथ में जनता है, तो जाएंगे कहाँ। नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ सदन सिंह। नीतीश कुमार पे लगातार तेजस्वी प्रसाद यादव और लालू प्रसाद यादव हमलावर हैं। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि गिड़गिड़ा कर आए थे हमारे पास सरकार बनाने के लिए, लेकिन जदयू की तरफ से भी हमलावर है कि जहाँ पे जदयू जाती है सत्ता का जो चाबी है नीतीश कुमार के पास ही रहता है। वहीं तेजस्वी यादव जो है संवाद कार्यक्रम यात्रा पर हैं, जिसको लेकर भी जदयू ने कहा है कि ग्राहक खोजो यात्रा है, कई तरीके के आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। इन्हीं विषयों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मंत्री तिवारी हैं। जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव ने कहा कि गिड़गिड़ा कर आए थे सरकार बनाने के लिए, लेकिन जदयू की तरफ से भी कहा ये जा रहा है कि नीतीश कुमार के ही पास सत्ता का चाबी रहता है, चाहे पार्टी कोई भी। नहीं, ये बातें नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी ने कही, और जेडीयू अगर ये बात कह रही है कि सत्ता की चाबी उन्हीं के पास रहती है, तो बीजेपी के लिए कह रही है। और बीजेपी वहाँ बड़ी पार्टी है, अब उनको आँख दिखा रही है जेडीयू। सत्ता का चाबी 3 नंबर की पार्टी को मिलता है, इसी से पता चलता है कि जेडीयू की क्या मानसिकता है। ये सत्ता की मलाई जितना खाना था खा लिया, जनता की भलाई किया नहीं, तो अब बारी जनता की है। बहुत मौका मिल गया, अब देश की जनता, बिहार की जनता तेजस्वी यादव जी ने बहुत उम्मीद और आशाओं के साथ अपना भविष्य देख रही है। 17 महीने के तेजस्वी यादव जी के कामों को ना कोई भुला सकता, ना कोई मिटा सकता। जो एक लंबी लकीर खींची है, जो रोजगार की भरमार कर दी, इस तरह से कई ऐतिहासिक काम किए, ये बता रहा है कि जनता अब तैयार है, अब तेजस्वी सरकार का इंतजार है। ग्राहक खोजो यात्रा पर तेजस्वी यादव निकले हैं, ऐसा बयान है। देखिए, ग्राहक खोजने वाले, दुकानदार खोजने वाले, दुकानदारों को ठगने वाले, ये सब वहाँ है। जनता का दमन उत्पीड़न, ये बातें आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कही थी जेडीयू के बारे में। जेडीयू का मतलब क्या है, तो ये जो लोग कह रहे हैं, इनके पास तो न कार्यकर्ता है और न साथ में जनता है, तो जाएंगे कहाँ। तो तेजस्वी यादव जी जा कर के हर क्षेत्र में कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करके उनसे फीडबैक ले रहे हैं, समस्याओं को सुन रहे हैं, जान रहे हैं, सरकार की पोल खोलने का काम कर रहे हैं, तो बेचैनी में घबरा रहे हैं, घबरा करके बेचैन हैं, तो बेचैनी तो अभी बढ़ेगी। तो तेजस्वी यादव जी ने तो पूरा पोल ही खोल दिया सरकार का, चाहे पीटे जितना ढोल। इस डबल इंजन सरकार का 18 वर्षों से जो सरकार है, इसकी नाकामी का तेजस्वी यादव जी ने खोल दिया पोल। बैठक हुई है, मंत्रिमंडल का भी विस्तार होना है, जेडीयू के अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश। भाई, उनका विषय है, वो सरकार में है, मंत्रिमंडल विस्तार करें ना करें, क्या करें, देखिए आगे के क्या होता है। अभी तो भादों का महीना चल रहा है, फिर पितृपक्ष है, इसके बाद क्या होगा क्या नहीं होगा ये कौन जानता है। ये सुनते सुनते तो बहुत दिन से चर्चा चल रही, अब देखिए पहले आपस में तो सिर्फ फुटबॉल मचा हुआ है। जिस दिन मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ उसी दिन ये सरकार गया, उसी दिन सरकार चली जाएगा। हम कह रहे जिस दिन मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, इतनी नाराजगी है कि उसी दिन सरकार जाएगी। देखिए, जिस दिन मंत्रिमंडल का विस्तार होगा उसी दिन सरकार चली जाएगी, ऐसा बयान राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी का है। और वहीं तेजस्वी यादव जो हैं संवाद कार्यक्रम यात्रा पर निकले हुए हैं, जिसको लेकर भी इन्होंने साफ तौर पर कहा कि जंगल राज का पोल खुलने वाली है एक एक करके, इसलिए हर एक दरवाजे तेजस्वी यादव जा रहे हैं और सरकार के जो जिस सरकार जो काम की है उसको लेकर पोल खुलने के लिए हम लोग दरवाजे पर गए हैं। और वहीं मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर भी इन्होंने साफ तौर पर कहा कि मंत्रिमंडल का विस्तार जिस दिन होगा उसी दिन सरकार गिर जाएगी, क्योंकि आपस में ही सिर फुटबॉल शुरू है। तो भाजपा जो है जदयू की खाने का काम कर, यानी पार्टी तोड़ने का काम फिर से शुरू कर दी। बेलाल खड़ में इतना ही, आगे के अपडेट के लिए बने रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड पर। मैं सुनूंगा।
26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।